आपकी गाड़ी के लिए दी बेस्ट फॉग लैंप। आपको एक कंपैरिजन भी दिखाएंगे ओजूम वर्सेस मॉन्स्टर विजन। नॉर्मल एक फॉग लाइट पता लग रही है, चल रही है, बट जैसे ही आप दूर जाओगे, देखा आपने, फॉग लाइट बिल्कुल गायब होगी, रोशनी बिल्कुल भी नहीं दिख रही। दूर की चीज तक आप इतना लॉन्ग डिस्टेंस उसको देख सकते हो। ये देखो, 1 किलोमीटर दूर तक भी आपको ऐसा ग्लो मिलेगा, लाइट का विजन मिलेगा। पावर तो भाई इसके अंदर भी बहुत बढ़िया है। जैसे हमारा ओजूम का बढ़िया चल रहा है ना, सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होने वाला है। इसके अंदर पूरा का पूरा एक चोक सिस्टम है जो कि इसको एक अच्छा पावर जनरेट करके देता है। कैसे हो दोस्तों, आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं। देख के आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आपकी गाड़ी के लिए दी बेस्ट फॉग लैंप। बहुत आप लोग कंफ्यूज रहते हैं, हमारे पास आके पूछते हैं कौन कौन सी वैरायटी है। आप सभी लोग फ़ोन पे भी ये अक्सर मुझसे यही सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पुट करते हैं, यार एक बड़ी दमदार फॉग लैंप चाहिए मुझे अपनी कार के लिए। फॉग लैंप में इतनी पावर होनी चाहिए कि जब रोड के ऊपर चले तो हेडलाइट चले या ना चले फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ऐसी फॉग लाइट की रेंज आज आपके लिए हम लेकर आए हैं, छोटी से छोटी नॉर्मल हल्की फॉग लैंप से लेके टॉप क्लास सुपर पावर वाली फॉग लैंप्स आज आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। तो चलिए एक एक चीज बहुत अच्छे से डिटेल से समझाऊंगा और आपके जो मोस्ट आस्क क्वेश्चन हैं उन सारे क्वेश्चन को मैं आंसर करूंगा। स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन का मैं आंसर करूंगा कि फॉग लाइट मतलब पीला कलर। तो या मैं आप सभी भाइयों का माइंडसेट क्लियर कर दूं, कंपनी फॉग लैंप लगा के देती है, क्या आपको येलो लगा के देती है? कोई भी गाड़ी आप ले लो, नॉर्मल कार से लेके टॉप एंड कार, चाहे आप होंडा सिटी ले लो, चाहे आप बलिनो जैसी छोटी गाड़ी ले लो, चाहे आप बीएम ऑडी, सब में एलईडीज लग के आती हैं वाइट, किसी में येलो लग के नहीं आती। बहुत एक्सपीरियंस और बहुत ज़्यादा रिसर्च करके कंपनीज अपनी कार के अंदर कोई भी प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है भाइयों। या मैं आप सभी भाइयों को बताना चाहूंगा कि फॉग के अंदर जिस लाइट के अंदर पावर है, जिसके अंदर अच्छा वॉट है, वो काम करेगी, वो पूरा का पूरा फॉग के अंदर आपको अच्छी क्लैरिटी दिखाएगी। फॉग में येलो काम करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप हेडलाइट के अंदर एलईडी का अपग्रेड करो या फॉग लैंप में एलईडी वाला सेटअप बिठाओ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी फॉग के अंदर। अगर 100 वॉट की एलईडी आपने अपने फॉग लैंप के अंदर लगा दी तो कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, बहुत सक्सेसफुली आपका जो फॉग लैंप है वो काम करेगा। अब दूसरा सबसे बड़ा कंफ्यूजन, कौन सी लगाएं, कितने बजट में लगाएं, कितने पैसे लगेंगे, क्या प्राइस लगेगा, रेंज कहां से शुरू होती है, सब इस वीडियो में बताने वाला हूं भाइयों। तो ये पूरी रेंज, हर तरीके का प्रोजेक्टर, हर तरीके का आपका सेटअप, हर तरीके की पावरफुल लेंस, बड़ी से लेकर और ये नॉर्मल छोटी फॉग लैंप्स, एक स्टैंडर्ड फॉग लैंप या जैसे कंपनी से स्टॉक फॉग लैंप आती है, वो सब मैंने आज आपके सामने डिस्प्ले कर दिया है। आपको दिखाता हूँ किसमें क्या प्राइस पड़ेगा और क्या उसके अंदर क्वालिटी आपको मिलेगी। अब सबसे बेसिक फॉग लैंप के बारे में आपको बताऊँगा। मिंडा कंपनी जो कि एक बहुत बढ़िया ब्रांडेड कंपनी है, 1500 रुपये का फॉग लैंप आपको मिलेगा। साथ में इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको लगाना होगा एक ये रिले, आपको प्लग एंड प्ले मिलेगा, 700 रुपये का रिले।
1500 का फॉग लैंप, 2200 रुपए में आप फॉग लैंप लगाओ और इसके अंदर आपको मिलता है हेलोजन लैंप। कंपनी से स्टॉक मैक्सिमम गाड़ी में, चाहे कोई भी ब्रांड की कार हो, चाहे मारुति हो, चाहे हुंडई हो, चाहे टाटा हो, चाहे होंडा हो, कंपनी से ऐसी स्टैंडर्ड फॉग लैंप्स आती हैं। शेप चेंज हो सकती है बट मैक्सिमम गाड़ियों में आप देखते हो कि राउंडेड शेप की फॉग लैंप आती है। हलोजन मिलता है, रिले लगाना बहुत जरूरी है, रिले भी स्टैंडर्ड कंपनी की ही देंगे आपको, आरडी कंपनी की, 1 साल की वारंटी के साथ में। ये देखिए सेटअप आपकी कार के लिए, फॉग लैंप लगाया 2200 रुपए में, छुट्टी, कोई आपको और एक्स्ट्रा पैसे लगाने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप, इसी फॉग लैंप को अगर आपको ऑलरेडी गाड़ी में लगा हुआ कंपनी से मिला है और इसी को आप अपग्रेड करना चाहते हो, तो आपको ऑप्शन दिखाता हूं एलईडी का अपग्रेड। मैक्सलिंग एक ब्रांडेड कंपनी है, आपको ब्लॉपंग की मिल जाएगी 80 वॉट, 110 वॉट, ओसरम की 70 वॉट, और आप ये देखिए एलईडी की कितनी रेंज है। इस फॉग लैंप को अपग्रेड करने के लिए जस्ट हमने हैलोजन को निकालना है और एक अच्छी क्वालिटी की पावरफुल एलईडी इसमें इंस्टॉल करनी है। सिंपल प्लग एंड प्ले का सिस्टम है, ये देखिए फॉग लैंप के अंदर एलईडी हमने इंस्टॉल कर दी और ये लॉक हो गई। ये हमारा पूरा ओरिजिनल कंपनी वाला सेटअप, जो कि आपके पास स्टॉक आता है या आप हमारे पास आके लगवाते हो गया अपग्रेड। इसके अंदर एलईडी लग गई रिले 2200 रुपये हलोजन के साथ में, और अच्छी एलईडी आपको 2000 की रेंज में पड़ती है, तो लगभग 4200 रुपये में एलईडी की वारंटी भी मिलेगी, रिले की वारंटी भी मिलेगी और सारी ब्रांडेड चीज़ें मिलेगी। ये है आपका बेसिक फॉग लाइट का सेटअप, जो कि एक बहुत बढ़िया क्वालिटी है और अब मस्ट रेकमेंडेड रहेगा, आप लगवा सकते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कंपनी की ओरिजिनल फॉग लैंप्स है, एक टाटा नेक्सॉन की है, एक टाटा पंच की है। ये किसी भी कार के अंदर जब आप कंपनी से शोरूम से डिलीवरी लेते हैं आपको फॉग लैंप्स दिखाए जाते हैं, एलईडी वाले फॉग लैंप्स हैं विद डीआरएल। ये सिर्फ शो पीस हैं भाइयों, ये कोई भी आपको बढ़िया रोशनी देने वाले नहीं है, एक नॉर्मल स्टैंडर्ड सी लाइट है। ये इस तरीके की लाइट्स आपको कंपनी में भी मिल सकती हैं और आफ्टर मार्केट भी मिल सकती हैं। 6-6, 7-7, 8-8 हज़ार रुपये चार्ज किए जाते हैं आपसे शोरूम के अंदर, जस्ट ओनली फॉर द डिस्प्ले। फॉग लैंप के नाम पे ये कुछ भी नहीं है, एक सिंपल सी लाइट देगी जो आपको एक थोड़ा सा आप कह सकते हो एक सपोर्ट देती है, बट क्वालिटी निकल के नहीं आने वाली है, तो मेरे लिए ये रिकमेंडेशन में नहीं आती है। पैसे भी इतने लगा दिए और साथ में मज़ा भी नहीं आया, तो मैं रेकमेंड नहीं करूँगा। अब कुछ भाई आके हमारे पास सस्ती फॉग लैंप भी मांगती है, या मार्केट में आप लोग ढूंढते हैं या मार्केट में लोग बेच रहे हैं सस्ती फॉग लैंप, जो कि चाइनीज फॉग लैंप हैं, मेरी रिकमेंडेशन में बिल्कुल भी नहीं आती। बोर्ड के ऊपर रिजल्ट 0, 1000 रुपये की फॉग लैंप है ये, और ये आपकी 2000 से 2500 रुपये की रेंज के फॉग लैंप है, वारंटी 1 मिनट की नहीं है इसकी, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। अब आउटपुट किस में मिलेगा, किस में क्या क्वालिटी आएगी, क्या क्या तरीके के प्रोजेक्टर, किस किस लेवल की चीज़ें एडवांस हो चुकी हैं, हर तरीके का प्रोजेक्टर जो इस टाइम मार्केट के अंदर अवेलेबल है आज मैंने आपके सामने पूरा डिस्प्ले कर दिया है। ब्लू लेंस, ट्राई कलर, सुपरनोवा, मॉन्स्टर विजन, IPS आपका फेवरेट, और आपके और भी जो नए इंट्रोड्यूसिंग वाले ये डुअल लेंस वाले प्रोजेक्टर वाले फॉग लैंप, ये देख रहे हैं आप, इसके अंदर 2 लेंस आपको नीचे और एक बड़ा लेंस मिलता है। आपको एक और दिखाता हूँ ब्लू लेंस के अंदर, ये लो हाई सुपर विजन वाला प्रोजेक्टर लैंप है। देखिए कितने बढ़िया बढ़िया तरीके के, कितने एडवांस फॉग लैंप्स आ गए हैं। अगर ये फॉग लैंप अगर आपकी गाड़ी में लग जाए तो सामने आपको ऐसे लगेगा जो रात के अंधेरे में जैसे दिन निकला हुआ है। हेडलाइट जलाओ या ना जलाओ, बट हेडलाइट भी अपग्रेड करना ज़रूरी होता है। जितनी लाइट आपकी अपग्रेड होगी उतना आपका ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा होगा। देखिए फॉग लैंप लगा के आपको ऐसा विजन मिलने वाला है, कैसी भी सड़क हो, कैसी भी रोड हो, स्ट्रीट लाइट हो, फर्क नहीं पड़ता। पहाड़ों में जाओ, दूर दूर तक लाइट नहीं है, फर्क नहीं पड़ता। लाइटें लगवा लो ये वाली और अपनी गाड़ी के आगे निकाल दो पूरा का पूरा, रात के अंधेरे में भी दिन जैसा इफेक्ट। ये पूरे के पूरे प्रोजेक्टर्स आपके सामने हैं, इन सब का प्राइस भी बताने वाला हूं आपको, और इन सब का आपको रोड टेस्ट करके
रात को नाइट विजन भी दिखाऊंगा, तो बहुत मजा आएगा आपको वीडियो में। लास्ट तक बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले भाइयों। बहुत मेहनत करते हैं हम आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स ढूंढ के लेके आते हैं। सारे प्रोडक्ट की 1 ईयर की आपको वारंटी मिलेगी, कुछ चुनिंदा प्रोडक्ट्स को छोड़कर जो आउट ऑफ वारंटी है वो भी मैं आपको बताऊंगा। मैक्सिमम हम वारंटी वाले प्रोडक्ट्स ही बेचते हैं। तो आइए अब आपको बताते हैं कि किस प्रोडक्ट का क्या प्राइस है। सबसे पहले ये है आपका लेज़र वाला फॉग लैम्प। ये फॉग लैम्प की खासियत ये रहती है कि जब आप हाईवे पे चलते हैं तो आप ये बीम देख रहे हैं, लॉन्ग रेंज की ऐसी बीम आपको मिलेगी कि दूर तक, 1 किलोमीटर दूर तक भी आपको ऐसा ग्लो मिलेगा, लाइट का विजन मिलेगा, वो आपको इस लेज़र वाले फॉग लैम्प के अंदर मिलेगा। तो ये भी एक बहुत बढ़िया फॉग लैम्प के अंदर आता है। सेकंड ये है आपका मॉन्स्टर विजन। कितनी भी लंबी आपकी ड्राइविंग हो, 8-8, 9-9 घंटे आप कंटिन्यू चलाओ, ऑब्वियसली रात की ड्राइविंग करने तो लाइट भी चलती रहेगी। कितना पावरफुल इसके अंदर हीट कंट्रोलर लगा हुआ है। ये फॉग लैम्प मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, खराब नहीं होने वाली है, लाइफ टाइम सालों साल चलेगी, क्योंकि इसके पीछे का ये जो हीट सिंक, इसके अंदर ये जो पूरा का पूरा कॉम्पैक्ट साइज बनाया हुआ है, ये कभी भी इस फॉग लैम्प को खराब नहीं होने देगा। ये उस लेवल का फॉग लैम्प है और पावर 130 वॉट का फॉग लैम्प है। नेक्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ सुपर विजन वाला फॉग लैम्प, जो भी मैंने आपको पहले भी दिखाया था। ब्लू लेंस है इसके अंदर, आपको एक एक्स्ट्रा विजन मिलता है रोड के ऊपर, जो छोटे छोटे हमारे ब्लैक स्पॉट्स होते हैं रोड पे उसको दिखाएगा, ये उसके लिए है। एक नया और फॉग लैम्प मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इसके साथ में आपको 2 लेंस हाई बीम में मिल जाएंगे और 1 लेंस लो बीम में मिल जाएगा, तो रोड के ऊपर आपको एक बहुत बढ़िया मज़ा आने वाला है। ये भी बहुत बढ़िया नई चीज़ आई है, लेटेस्ट प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट। ये तो जिसको कहते हैं ना सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर हिट होने वाला है। ये प्रोजेक्टर आप वहाँ लगा सकते हो जहाँ कोई फॉग लैम्प लगने की जगह नहीं है, इतने छोटे छोटे कहीं बम्पर्स आ रहे हैं जिसमें जगह नहीं आती। आप देखिए कॉम्पैक्ट, देखिए कितना है, कहीं मर्जी लगा लो। और इसको हम एक नया मॉडिफिकेशन और एक नया अपग्रेड देने वाले हैं टाटा नेक्सॉन के अंदर, आने वाली वीडियो में आपको दिखाऊंगा। देखिए मैक्सलिन कंपनी का है, 1 साल की वारंटी है। ट्राई कलर वाला फॉग लैम्प, जो लोगों को येलो चाहिए ही चाहिए, येलो वार्म वाइट एंड सुपर वाइट तीनों आपको मिलेंगे इसके अंदर, ये भी आपको बहुत बढ़िया मिल जाएगा। IPX आप सभी भाइयों का फेवरेट, कोई भी 150 वॉट की GT सीरीज वाली आप LED लगवा लीजिए, रेनबो सीरीज आप इसके अंदर लगा सकते हो, इसको अपग्रेड कर सकते हो, और कोई भी आप कर सकते हो किसी भी ब्रांड में, ब्लॉपंग में, ओसराम में, या HID भी लगाना चाहो HID के अंदर। और भी अगर आपको 180 वॉट की अगर फॉग लैम्प इसके अंदर अपग्रेड करनी है LED के साथ, और 200 वॉट तक भी जानी है, इससे ज़्यादा मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहती है हमारी बैटरी को भी हमने सेफ करके चलना है। तो ये भी आप इसके अंदर 200 वॉट तक का फॉग लैम्प लगा के इसमें आप बहुत बढ़िया लाइट, बहुत ही सुपर इफेक्ट इसके अंदर आपको मिल जाएगा। ये हमारा IPS प्रोजेक्टर हो गया। ये हमारा मैक्सलिंग का ब्लू लेंस प्रोजेक्टर, इसके अंदर आपको एक रेनबो इफेक्ट मिलता है। ब्लू लेंस का मतलब ब्लू लाइट नहीं आएगी, रेनबो इफेक्ट आएगा। ये ब्लू लेंस प्रोजेक्टर अभी आपको दिख रहा होगा, ये प्रोजेक्टर जो है इसके अंदर, ये ऊपर जो DRL दिख रहा है, ये फॉग लैम्प का डेडिकेटेड प्रोजेक्टर नहीं है, ये हेडलाइट के लिए बना हुआ है। जिनके अंदर H4 का सिस्टम होता है, H4 लाइट वाली हेडलाइट, जिसके अंदर प्रोजेक्टर्स नहीं आते, जो नॉर्मल अपने H4 की लाइट्स को अपग्रेड कर मैक्सिमम पावर बनाकर भी 200-250 वॉट पावर बनाकर भी खुश नहीं है, उनके लिए ये प्रोजेक्टर सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है। आप भी अपनी नॉर्मल हेडलाइट को कन्वर्ट कर सकते हो एक बहुत बढ़िया प्रोजेक्टर लाइट के साथ में। इसके अंदर आपको बहुत सुंदर DRL भी मिल जाएगी, और हम आपको एक से बढ़िया एक लाइटें मॉडिफाई करके दिखा सकते हैं। ये आपने देखा होगा हमारी वीडियो के अंदर, ये टाटा नेक्सॉन की स्प्रिंटिंग DRL वाली हेडलाइट अपग्रेड की है हमने, मॉडिफाई की है, और साथ में इसके लेंस के अंदर हमने लगा दिया है डेविल आई। ये आपको नेक्स्ट वीडियो में और दिखाएंगे, बहुत आप लोग इसको प्यार दे रहे हैं जिसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। तो ये हमारा पूरा सेटअप है। अब बात कर लेते हैं प्राइस की, कि किसका कितना खर्चा आएगा। नॉर्मल रेंज जो प्रोजेक्टर की आती है, जिसके अंदर कोई LED नहीं आती, ये देखिए
इसमें कोई एलईडी नहीं है। ये आता है 3000 रुपये का प्रोजेक्टर, और इसके साथ में हमारी ये रिले लगाना बहुत ज़रूरी है। 700 रुपये की रिले लगेगी, 3700 रुपये में प्रोजेक्टर है, बट अभी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो एलईडी एक अच्छी सी लगाएंगे, बढ़िया एलईडी का जो सेटअप है वो 3000 से 4000 रुपये की रेंज के अंदर आता है। तो आपका 7500 से 8000 रुपये की रेंज के अंदर ये ऐसा प्रोजेक्टर आपको मिल जाएगा, जो रोड के ऊपर आपको इतना बढ़िया ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगा कि आपको नेक्स्ट लेवल का मज़ा आने वाला है। अब जिनके अंदर ऑलरेडी एलईडीज फिक्स होके आती हैं, ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इनमें कंपनी से ऑलरेडी एलईडीज फिक्स होके आती हैं, इनकी रेंज स्टार्ट होती है 5000 की रेंज से, और 5000 की रेंज से स्टार्ट होके इट गोज अप टू 12000। हर प्रोजेक्टर का अलग प्राइस है। अब आपको एक माइंड में क्लैरिटी आ जाएगी कि मिनिमम 500 से 1000 रुपये की रेंज से आपको फॉग लेंथ मिलना स्टार्ट हो जाती है, एंड इट गोज अप टू 10000 12000। और आप अगर बजट फ्रेंडली करना चाहते हो तो 4000 से 5000 रुपये की रेंज के अंदर आपको अच्छी बजट फ्रेंडली एलईडी वाली फॉग लैंप मिलके इंस्टॉल करके रिले के साथ में 1 साल की वारंटी के साथ में आपको मिल जाएगी। अभी बहुत जल्दी आपको इसका एक रोड टेस्ट करके दिखाते हैं। इनमें अलग अलग अपग्रेड्स हैं, किसी में आपको 90 वॉट की एलईडी मिलेगी, किसी में 150 की मिलेगी, किसी में 200 वॉट की मिलेगी, और सबकी अपनी अलग अलग खासियत है, सबके अपने अलग अलग विजन है। 6.5 hours later भाइयों, बहुत मज़ा आने वाला है। आगे हम सारे के सारी फॉगलाइट्स और प्रोजेक्टर्स को रोड टेस्ट करने के लिए, कैसा आउटपुट निकल के आता है जब आप गाड़ी चलाते हैं, कैसी रोशनी आने वाली है, ये सब आप भाइयों का कन्फ्यूजन इस वीडियो में मैं दूर कर दूंगा। जो मैंने आपको सारे के सारे फॉग लैंप डिस्प्ले करके दिखाए थे सब ले आया हूँ मैं वन बाय वन टेस्ट करने के लिए, कितनी रेंज है नॉर्मल छोटी से छोटी फॉग लाइट से लेके पावरफुल से पावरफुल लाइट का क्या सेटअप रहता है, कितनी दूर तक रेंज रहती है, सब दिखाने वाला हूँ। जो इसमें सबसे पावरफुल वाले हैं या जो सबसे बढ़िया वाले हैं उन सब का मैं आपको डिस्प्ले दिखाऊंगा, और सबका इस टाइम जो हॉट फेवरेट है ओजूम, वो भी हमारे पास है, उसको हम कंपेयर करेंगे बाकी और प्रोजेक्टर से कि इसकी पावर में बाकी प्रोजेक्टर के कंपैरिजन में क्या एक्स्ट्रा क्या स्पेशल है, जो आप हमेशा ब्रांडेड स्टफ़ के लिए हमेशा कहते हैं कि बढ़िया चीज़ दिखाओ। और आपको एक कंपैरिजन भी वर्सेस भी करके दिखाएंगे, ओजूम वर्सेस मॉन्स्टर विजन, ये दो प्रोजेक्टर मैंने ऐसे टेस्ट किए हैं जो आपस में एक दूसरे के साथ में फुल पावर दिखाते हैं, इसका भी कंपैरिजन करके दिखाएंगे। सबसे पहले मैं दिखाता हूँ जो नॉर्मल और सबसे सिंपल फॉग लैंप जो कि आपको गाड़ी के अंदर लगी हुई मिलती है स्टॉक, या आप लगवा सकते हैं, ये हलोजन वाली, ये देखो। अब ये हलोजन का आप फोकस देखो, आपको मैं ये दिखाना चाहूँगा कि जैसे ये गाड़ी खड़ी हुई है इसके पास वाले एरिया के अंदर तो आपको ये बहुत अच्छा फोकस दे रही है, मतलब नॉर्मल एक फॉग लाइट पता लग रही है चल रही है, बट जैसे ही आप दूर जाओगे, देखा आपने फॉग लाइट बिल्कुल गायब होगी, रोशनी बिल्कुल भी नहीं दिख रही। तो इससे अब आप ये समझ लो कि एक फॉग लाइट का नाम पूरा कर देती है ये, आसपास की रोड आपको दिखा देगी, बट अगर आप हाईवे की बात करो तो ये हाईवे पे कोई परफॉर्मेंस नहीं देगी, सामने देख लो कोई परफॉर्मेंस नहीं है। अब इस फॉग लैंप के अंदर से हमने हलोजन हटा के एक अच्छी पावरफुल एलईडी डाल दी है, बट इतनी भी पावरफुल नहीं है, 55 वॉट की एलईडी डाली है। अब देखिए अब सामने इसकी लाइट हलोजन से बेटर है, और ये वाला एरिया पूरा कवर कर रही है और सामने भी कवर कर रही है, और इसकी लॉन्गेटिविटी देखते हैं, देखिए उसके कंपैरिजन में फिर भी रोशनी आपको दिख रही है, बट उतनी ज़्यादा पावर इसके अंदर भी नहीं है। अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं ओजूम FLP 3090 प्रोजेक्टर की लाइट, ये देखो अभी हमारा प्रोजेक्टर जो है वो ऑन हो गया है, अभी खाली डिस्प्ले पर्पस के हिसाब से दिखा रहा हूँ, बट जब इसके साथ में लग जाएगी रिले लगाते ही इसकी पावर और बढ़ेगी। और अब दिखाता हूँ इसकी आपको रेंज, ये देखिए आप सामने देख रहे हैं, सामने की बिल्डिंग के ऊपर आप प्रोजेक्टर की लाइट का पावर देखिए, ये पूरी की पूरी बिल्डिंग आपके सामने फुली लाइटेड हो गई है, और रेंज देखिए आप, हम खड़े हैं यहाँ और बिल्डिंग हमारी सामने बहुत दूर डिस्टेंस पे है, और लाइट की क्वालिटी देखिए और इसकी पावर देखिए। अब मैं आपको और इसकी रेंज बढ़ा के दिखाता हूँ, इसीलिए मैं आप सभी भाइयों को बताता हूँ कि जो प्रोजेक्टर है उसकी जो बीम आपको हाईवे पे बहुत हेल्प करने वाली है, पहाड़ों पे जहाँ ऐसा अंधेरा होता है ना, यहाँ तो फिर भी आप देख रहे हैं हमारे आसपास बहुत लाइट है, जहाँ ऐसे बिल्कुल अंधकार होता है
बिल्कुल कुछ भी लाइट नहीं होती वहाँ, आपको ये जो प्रोजेक्टर्स हैं ये बहुत बेनिफिट करते हैं और ड्राइविंग का जो एक्सपीरियंस है वेरी कंफर्टेबल। अब सामने की बिल्डिंग के ऊपर अभी हम इसकी पूरी रेंज चेक करते हैं। ये सामने की बिल्डिंग के ऊपर आपको पूरा लाइट का आउटपुट दिख रहा होगा, ये देखो, देख रहे हैं आप कितनी दूर की बिल्डिंग पूरी की पूरी सामने लाइट का आउटपुट आपको दिखा रही है। जहाँ जहाँ आपका ये प्रोजेक्टर, जहाँ जहाँ आपकी कार टर्न होगी, पूरा का पूरा एक आपको बड़ा पावरफुल लाइट का सेटअप मिलेगा। ये है एक ब्रांडेड कंपनी की क्वालिटी। अब मैं आपको दिखाता हूँ मॉन्स्टर विजन का पावर। सामने आप देख सकते हैं, आपको एक जेड दिख रहा होगा, तो ये इसका फोकस का पॉइंट है, क्योंकि जो हेडलाइट प्रोजेक्टर होते हैं ये प्रोजेक्टर भी उसी की तरह के से डिस्प्ले दिखा रहा है। सामने आपको जेड दिख रहा है और ब्राइटनेस इसकी भी बहुत बढ़िया है। अब इसकी टेस्ट करते हैं लॉन्गेटिविटी। पावर तो भाई इसके अंदर भी बहुत बढ़िया है। जैसे हमारा ओजोन का बढ़िया चल रहा था, जितनी ब्राइटनेस आपको उसके अंदर दिख रही थी उसके लेवल की ब्राइटनेस इसके अंदर भी है। और ये दोनों ही प्रोजेक्टर जो है लगभग आपका 150 वॉट की आउटपुट आपको देते हैं। अब यहाँ के कंपैरिजन में इसको और लॉन्ग रेंज पे लेके चलते हैं और देखते हैं कितनी दूर तक इसकी पावर है। देखिए सामने की बिल्डिंग के अंदर जैसे हमारा ओजोन वाला चल रहा था, पावर तो इसके अंदर भी बहुत बढ़िया है, ब्राइटनेस इसके अंदर भी मॉन्स्टर विजन में बहुत बढ़िया है। जब हम इसको ओजोन से कंपैरिजन कर रहे हैं, ओजोन की ब्राइटनेस जो है वो इसके कंपैरिजन में लॉन्ग रेंज में ज़्यादा अच्छी थी। मतलब दूर तक के डिस्टेंस में ओजोन की पावर इसके कंपैरिजन में थोड़ी मुझे एक्स्ट्रा लगी। अब बारी है IPH प्रोजेक्टर की, जिसके अंदर हम खुद की कस्टमाइज LED डाल देते हैं। इसमें हमने डाली है 150 वॉट की LED। ये प्रोजेक्टर भी जो सबसे पहले पॉपुलर हुआ था, ये वो प्रोजेक्टर है। रोशनी नो डाउट इसकी भी अच्छी है, अच्छा डिस्टेंस कवर कर रहा है ये भी, बट बाकियों के कंपैरिजन में जो पहले हमने दो प्रोजेक्टर चेक किए हैं उसके कंपैरिजन में थोड़ा लो है, बट ऐसा नहीं है कि बेकार है। नॉर्मल फॉग लाइट से मच 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 बेटर है। ये देखिए ब्राइटनेस देखिए, आपको दिख रहा होगा वीडियो के अंदर कि लाइटिंग आपको काफ़ी बढ़िया दूर तक इसकी भी मिलेगी। अब हमारे ये दो बहुत डिफरेंट और बड़े खास नए प्रोजेक्टर्स आए हैं, नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, नई नई चीज़ें आ रही हैं। देखिए इसके अंदर आपको एक्स्ट्रा बीम मिलते हैं, यहाँ पे भी एक एक्स्ट्रा बीम है, ये देखिए मैं दिखाता हूँ, और यहाँ पे भी एक्स्ट्रा बीम है। इस प्रोजेक्टर के अंदर आपको एक स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ। सामने एक आपको बहुत ब्राइट बॉक्स दिख रहा होगा और रेंज तो इसकी भी बहुत बढ़िया लग रही है। ये जो स्पॉट है आपके सामने फ्रंट का जो ब्लैक पैच है उसको बहुत बढ़िया तरीके से ब्राइट कर देगा। और अब हम इसका चलाते हैं फुल पावर वाला प्रोजेक्टर। अब आप इस डिस्प्ले में देखिए एक सेमी सर्कल, और सेमी सर्कल के जस्ट साथ में आपको वो बड़ा वाला बॉक्स दिख रहा होगा जो हर चीज़ के पूरे आपके एरिया को ब्राइट कर देगा। और देखिए सामने कितने दूर तक इसकी भी लॉन्गेटिविटी है। तो ये भी एक बहुत स्पेशल प्रोजेक्टर है, बट इसमें एक आपको एक्स्ट्रा आउटपुट के लिए एक बहुत बढ़िया फीचर दिया गया है। एक अलग से एक लाइट का सेटअप आपको यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्टर के अंदर मिल रहा है, तो डुअल लाइट है आपके सामने। देखिए यहाँ से एक स्पॉट स्टार्ट होते आपके सामने एक स्पेशल लाइट आपको दिख रही होगी। ये पूरे के पूरे जो आपके डार्क पैचेस हैं उसको कवर करता है, और लॉन्गेटिविटी इसकी भी बहुत बढ़िया है। आपको काफ़ी अलग अलग तरीके के इसके अंदर डिस्प्लेस दिख रहे होंगे। और एक बार और दूर लेके जाते हैं इसको, ये देखिए, तो ब्राइटनेस हर प्रोजेक्टर के अंदर आपको काफ़ी बढ़िया मिलेगी। अब एक प्रोजेक्टर की बड़ी डिमांड रहती है मार्केट के अंदर, लोगों को पूरी नॉलेज नहीं है, लेज़र प्रोजेक्टर बहुत लोग मांगते हैं। भाई लेज़र वाली लाइट लगा दो हमारी गाड़ी के अंदर, फॉग लैम्प के अंदर। ये दिखाता हूँ आपको मैं आज लेज़र लाइट कैसे दिखती है। ये सामने दिख रहा है, रेंज इसकी इतनी मिलेगी कि आप सोच भी नहीं सकते। सामने देखो कितना ब्राइट स्पॉट दिख रहा है आपको, देख रहे हैं, जितना दूर तक देख सकते हो ना आप वहाँ तक इसकी रोशनी जाती है। और हम अपने सामने वाली फेवरेट दीवार पे भी मारते हैं इसको, ये देखो पर्ल एकेडमी आपको सामने, देख रहे हो कितना ब्राइट दिख रहा है सामने वीडियो के अंदर। एक बहुत फैंसी प्रोजेक्टर जिसको कहते हैं ना, बहुत फैंसी प्रोजेक्टर है, बट एग्जैक्टली जो लाइट का आउटपुट और जो पावर और जो पर्पज़ के लिए हमें फॉग लैम्प चाहिए, मेरे हिसाब से ये वो चीज़ सेटिस्फाई नहीं करता, तो मेरी रिकमेंडेशन में नहीं है ये। पूरी कोशिश करते हैं हम आपको कि हर चीज़ को बहुत अच्छे से समझा सकें, आपके सारे सवालों का जवाब दे सकें, आपकी कन्फ्यूजन्स को दूर कर सकें। हल्की से हल्की नॉर्मल स्टैंडर्ड हलोजन वाली फॉग लैम्प से लेके
पावरफुल आपको पहले प्रोजेक्टर्स दिखाए इस वीडियो के अंदर। होपफुली आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आपकी गाड़ी के लिए कौन सी लाइट अच्छी है या बेस्ट है। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो भाइयों कॉल कर सकते हैं हमारे को, और आप सभी भाइयों के लिए हम हमेशा ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे, नए नए आपको कंटेंट दिखाते रहेंगे, नए नए कंसेप्ट हम आप सभी के लिए लेके आते रहेंगे। मैं भी आप सभी भाइयों से सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूँ कि हमें प्यार देते रहे और हमारे को सपोर्ट करते रहे। कोई भी आपको ब्रांडेड हो या नॉन ब्रांडेड हो, वो प्रोडक्ट्स आपको स्काई कार पे मिल जाएंगे, वारंटी भी मिलेगी, प्लग एंड प्ले सिस्टम भी मिलेगा, जो बोला जाएगा वो किया जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू भाइयों, थैंक यू दोस्तों, लव यू।